जानते हैं कि मनीष जी को करीब एक साल से गिरफ्तार किया हुआ है, उनके खिलाफ कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाए हैं। आज नहीं तो कल मनीष जी निर्दोष साबित होंगे और रिहा होंगे, ये बात केंद्र सरकार भी जानती है। इसलिए सोचा जा रहा है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को भी इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। हम सब ये चीज देख रहे हैं कि देश के अंदर जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, उनको किसी ना किसी मामले के अंदर ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं। और आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े मामले हमारे सामने आते हैं, मगर उनके अंदर कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई पूछताछ नहीं कर रही, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही। जिन बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चलाया, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, टीएमसी में थे, भ्रष्टाचार का कैंपेन चलाया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, मुकुल रॉय हो, कैंपेन चलाया गया, कहा गया मुकदमे किए जाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सब मामले समाप्त हो गए। हेमंत विश्व शर्मा हो, पेमा खंडू हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आते जा रहे उनके खिलाफ फिर मामले सुनाई देने बंद हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है और अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा की कैंपेन से रोकने के लिए प्रायोजित है।